समस्तीपुर का बेटा हूँ, समस्तीपुर माटी का हूँ, इसलिए मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और लोग पिताजी मुझे आशीर्वाद दिए हैं, पंचायत समिति में बना हूँ, मैं प्रखंड प्रमुख बना हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद रहा है और मुझे उस काबिल बना दिए हैं कि आप जाइए और देश के पटल पर भी काम कर सकते हैं। मैं गांव से निकला हुआ एक पंचायत समिति गांव का बेटा हूं और देश के पटल पर अपने गांव का आवाज़, अपने शहर का आवाज़ उठाऊंगा। आप जी बताइए कि आपने महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी और किस तरह तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, अपने समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता मालिकों को प्रणाम करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने कल अपार जन समर्थन के साथ मेरे नामांकन में सब शामिल हुए। और सभी युवाओं के लिए मैं ये प्राथमिकता मेरा है कि युवाओं को सबसे पहले रोज़गार होना चाहिए, युवाओं के लिए शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे होना। इस पर हम लोग बात नहीं करते, हम लोग टॉपिक से भटक जाते हैं, असली टॉपिक रोज़गार पर होना चाहिए। आपके सामने जेडीयू के ही कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए से प्रत्याशी हैं, तो आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपने बात रख रहे हैं, मैं अपना बात रखूंगा, लोगों के बीच में जो अभी तक काम किया हूँ उसको लेके जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद इसने प्राप्त करूंगा, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। आपके पिताजी का कितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है? पिताजी मुझे आशीर्वाद दिए हैं, पंचायत समिति में बना हूँ, मैं प्रखंड प्रमुख बना हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद रहा है और मुझे उस काबिल बना दिए हैं कि आप जाइए और देश के पटल पर भी काम कर सकते हैं। मैं गांव से निकला हुआ एक पंचायत समिति गांव का बेटा हूँ और देश के पटल पर अपने गांव का आवाज़, अपने शहर का आवाज़ उठाऊँगा। आप स्थानीय उम्मीदवार के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं और आप लगातार कह रहे हैं कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, ये कितना असरदार होगा इस चुनाव को लेकर के ये मुद्दा बाहरी और स्थानीय का? देखिए, ये चीज़ तो मेरे में प्लस है, बाकी मैं यहाँ का हूँ, लोगों के बीच का हूँ, समस्तीपुर का बेटा हूँ, समस्तीपुर माटी का हूँ, इसलिए मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और लोग मुझे पहले से जान रहे हैं, लगातार मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के बीच में काम करता रहा हूँ, तो मुझे आशा और विश्वास है कि लोग मुझे आगे भी आशीर्वाद इसने या देंगे। कल चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा था आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगाया था कि वो लगातार मतलब उसके परिवार को तोड़ने के लिए, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते रहे, उन्होंने किया है, तो किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मेरे पिताजी तोड़ने या जोड़ने की राजनीति कभी नहीं करते हैं, वो काम करने पर विश्वास करते हैं और वो जनता के बीच में हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं और लगातार इसी तरह से उठाते रहेंगे। आगे कौन क्या बोल रहा है उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते।